बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल में वेलकम करती हूं और आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी हौसला अफजाई की। और जो नए आने वाले हैं उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आप जो चीज़ें सीखना चाहते हैं मुझे बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों की पसंद की चीज़ें बनाकर। तो मेरी हौसला अफजाई कीजिए और जो है इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल सी स्ट्रीट फूड रेसिपी लाई हूँ, लेकिन ये स्ट्रीट फूड जो है वो मुंबई स्टाइल का है। मुंबई वड़ा पाव जो है मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मुझे फीडबैक दीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। इसके लिए हमें जो है चीज़ें चाहिए, वो तीन स्टेप्स में हम करेंगे। एक इसका स्टेप होगा चटनियों का, जिसमें रेड चटनी होगी और ग्रीन चटनी होगी। दूसरा स्टेप होगा जिसमें हम आलू का मिक्सचर बनाएंगे और तीसरा जो होगा जिसमें हम बेसन की कोटिंग करके मिक्सचर बनाएंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को स्टेप वाइज चीज़ें बताऊं ताकि वो जो है आप लोगों को करने में इजी और कन्वीनियंट लगें। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम हमारी रेड चटनी के लिए तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो पीनट्स लिए हैं। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसके साथ ही हम 1/2 कप के करीब कोकोनट डालेंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। देखिए अभी हल्का सा भून गया है, अब इसको जो है हम निकालते हैं और इसके साथ जो है हम लहसुन लेंगे 15 कलियाँ, 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे और 1/2 चम्मच नमक लेंगे। ये तीनों चीज़ें जो है हम इसमें मिक्स करते हैं और फिर इसको जो है हम पाउडर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ग्राइंड करने के लिए रेडी है। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखें हमारी रेड ड्राई चटनी जो है ये तैयार हो गई है। अब हम ग्रीन चटनी की तरफ आते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप हरा धनिया, 1/4 प्याज का छोटा सा एक प्याज ले लीजिए, उसका 1/4 ले लीजिए, 2 कली जो है वो लहसुन की ले लीजिए, 1 हरी मिर्ची ले लीजिए या 2 हरी मिर्चें जितनी आपके घर में खाई जाती हैं, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और पानी जो है वो 2 टेबल स्पून। इन सबको मिलाकर हम जो है एक चटनी बनाते हैं, ग्रीन चटनी, वो तैयार हो जाती है। इसके बाद हम आगे के प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये हम इस पर 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल रहे हैं। ये हमने धनिया, लहसुन, मिर्ची, प्याज, नमक, पुदीना और लेमन जूस, ये सारा हमने डाल दिया। अब इसको हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेते हैं। देखें हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई। अब हम जो है इसका तीसरा स्टेप की तरफ आते हैं, जिसमें हम बेसन का घोल बनाएंगे। ये हमारे पास 1.5 कप के करीब बेसन है, जिसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून के करीब हम इसमें वो डाल रहे हैं अजवाइन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, पानी इसमें हम बहुत ख्याल से और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे वरना गुठलियाँ बनेंगी। ठीक है, बस इसमें सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो इसी चीज़ का रखना है कि हम पानी को है थोड़ा थोड़ा करके डालें। ठीक है, मैंने 1 प्याली पानी लिया है, अब जितना ज़रूरत होगी इतना हम डालेंगे। इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आनी चाहिए और इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। इसमें हम 1/2 टीस्पून और नमक डालेंगे। इसको हम मिक्स करके एक जगह पे रख देते हैं। तकरीबन हमने 1 प्याली में से इतना सा पानी बचा लिया, यानी कि 3/4 कप हमें पानी की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, ये देखें इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। इसको अब हम एक साइड पे कर देते हैं। अब हम आलू के मिक्सचर की तरफ आते हैं। ये आलू हमने बॉयल आलू लिए हैं, लेकिन इसको हमें कद्दूकश नहीं करना है, ग्रेट नहीं करना है, इसको हाथ से रफली जो है हमें मैश करना है। बस देखें थोड़ा थोड़ा सा साबुत भी लिया है, थोड़ा ये लिया है, अब हम इसका मिक्सचर जो है बनाते हैं। चलिए हम इसके मिक्सचर की कुकिंग की तरफ आते हैं। अब ज़रा सा हम ऑयल लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें हम ये डालेंगे
कड़ी पत्ते, ये हम डालेंगे जीरा, ये हमने जीरा राई डाली, मेथी दाने, और इनको अच्छी तरह से जरा सा स्टर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें हाफ टी स्पून के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 1 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्चें डाली हैं। ये इसमें हमने आलू डाल दिए और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, इसमें नमक जाएगा सिर्फ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ज़रा से इसमें धनिया डालेंगे, ज़रा से इसमें हमने धनिया ऐड किया, ये हम ज़रा सी हल्दी डालेंगे, या पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ अजवाइन, ये सब चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स करके और इसके ठंडा होकर इसके बॉल्स बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं। अब ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको हमने थोड़ी देर रख दिया था। अब हम इसको फ्राइंग से पहले जो है इसमें हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे, ठीक है। चावल का आटा डालने से ये है कि इसमें आपको एक बहुत अच्छा बाहर जैसा जो टेक्सचर आता है वो आएगा, और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी सोडा। इसको मिक्स करते हैं। ये हम हमारे बॉल्स बनाते हैं, बॉल्स को इसमें डिप करेंगे और फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये अब अपनी मर्जी से छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप बनाएं। अच्छा, ये जो है हमारी मिर्चें हैं हरी वाली, इसमें डलती हैं ये, तो इसको जो है जब आप डालेंगे तो ये ज़रा सा उछलेंगे, लेकिन आप इसके ऊपर ये चमचा रख दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो इससे ये होगा कि इतनी तेज़ी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये उड़ेंगी नहीं। बस ये हो गई, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाता है, और हमें ऐसा ही चाहिए ये। ये देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया, बस हमें ये चाहिए। ये हमने इसको इसमें डिप कर लिया और इसी के साथ जो है हमने इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा लेंगे। जिन लोगों ने मेरे बन कबाब खाए हैं उनको भी पता है कि मैं जो है वो पैटी की साइज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी रखती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए हम यहाँ पे अब इसकी असेंबलिंग शुरू कर रहे हैं। देखें कितना फटाफट ये बन गई, 5 मिनट में ये रेसिपी बन गई। अगर आपके पास चटनियाँ तैयार हों, आप इसे ऊपर और बाहर दोनों साइड पे आप पहले अच्छी तरह से ग्रीन चटनी लगाइए, फिर ये देखें ये जो है इसकी मेन ड्राई चटनी, इसको ज़रा सा इसके ऊपर यूं कर दीजिएगा ताकि ये इसके ऊपर चिपक जाए। फिर ये हम बड़ा पाव रखा हमने अपना, और इसके ऊपर हमने ये मिर्ची रखी, ये रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे बनाते हैं। तो देखा आपने कैसे हम लोगों की जो है ये वड़ा पाव स्ट्रीट स्टाइल, मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव रेडी हो गए, फ़ौरन ही रेडी हो गए। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगती है, और ये बहुत इकोनॉमिकल भी हैं और बहुत ही मज़े के और डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और इसके अलावा भी अगर आप लोग जो चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी फरमाइशी मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर इसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। और आखिर में वंस अगेन मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।